सामीन इकराम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं फिर आप लोगों की खिदमत में एक बेहतरीन और उम्दा वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ अपने उन तमाम भाइयों के लिए जो अपनी असल ज़िंदगी में बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, जिनका वीर्य बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिनका वीर्य बनना बंद हो चुका है, या अगर वीर्य उनका है तो बिल्कुल पानी से भी ज़्यादा पतला हो चुका है और वीर्य के अंदर रुकावट की कमी उनके बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो वो लोग ख्वाब में तो ताकतवर हैं, बाकी असल ज़िंदगी में बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो वो भाई परेशान ना हो, उनके लिए मैं बेहतरीन और ख़ास तोहफ़ा और इतनी आसानी के साथ में आप इसको बनाने के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी टेंशन नहीं होगी और आपकी पुरानी से पुरानी नामर्दगी और पुरानी से पुरानी परेशानी बहुत जल्दी और आसानी के साथ में ख़त्म हो जाएगी। और ये नुस्खा आपको लंबा चौड़ा ख़र्चा भी नहीं देगा, घर पर आप आसानी के साथ में ख़ुद बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इस नुस्खे को समाप्त कर लें कि क्या क्या लेना है आपको। सबसे पहले आपको अकरकरा लेना है एक तोला। अकरकरा ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और ओरिजिनल लेने की कोशिश करें, क्योंकि ओरिजिनल अकरकरे की पहचान ये है कि ज़बान के आगे वाले हिस्से पर लगाएंगे तो आपकी ज़बान को सुन कर देगा। तो इसलिए अकरकरा आप एक तोला ले लें। और दूसरे नंबर पर आपको हल्दी लेनी है एक तोला, ये भी आपको आसानी के साथ में मिल जाएगी और किचन के अंदर मौजूद होगी, कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा आपको। तो अकरकरा एक तोला, हल्दी आप एक तोला ले लें। और तीसरे नंबर पर माल कंगनी लेनी है आपको एक तोला। ये चीज़ भी आपको पंसारी के पास में आसानी के साथ में मिलेगी, सिर्फ इसका नाम बता दें, वो आपको निकालने के बाद में दे देगा। अब ये तीन चीज़ें हो गई, अकरकरा, हल्दी, माल कंगनी। अब इन सबको लेने के बाद में इनका सफ़ू बना लें, इनका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें अपने हाथ से। और इनका पाउडर लाने की कोशिश ना करें जो बना बनाया आता है, इनमें से किसी का भी ना लाएं, बल्कि अपने घर पर लाने के बाद में, खुद बनाने के बाद में इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इनका सफ़ू बनाने के बाद में बिल्कुल बारीक बारीक, तरीका इस्तेमाल इसका यह होगा, एक माशा सुबह नाश्ते के बाद में आपको लेना है। जब नाश्ता इस्तेमाल कर लें तो एक माशा या अपने हिसाब से एक ग्राम या अपने हिसाब से आधा चम्मच, जो भी आप बनाना चाहें उस हिसाब से सुबह नाश्ते में लेना है आपको। और नीम गरम दूध के साथ, यानी गुनगुने दूध के साथ में लेना है। और एक ही माशा शाम को, यानी गुनगुने दूध के साथ में आपको इस्तेमाल करना है खाना खाने के बाद में। और 20 दिन आप इसको इस्तेमाल कर लें, 20 दिन में आपको इतनी बेहतरीन और उम्दा ताकत मिलेगी, आपको सूरत इंजाल की बीमारी होगी, यानी एकदम आपका वीर्य निकल जाता हो, हाथ लगाते ही फारिग हो जाते हो, या एकदम जो है वो सोचते ही फारिग हो जाते हो, या एक दो झटकों के मेहमान हो, या नाइट फेल वगैरह आपको रात में बहुत ज़्यादा होता हो और कमज़ोर इतने ज़्यादा हो गए हो कि दिन में भी नाइट फेल बेहिसाब होता हो आपको, या जरियान की बीमारी हो, या जोश तनाव सख्ती, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी अगर ये आपके अंदर आ चुकी है तो आप इसका इस्तेमाल कर लें, सारी परेशानी बेहतरीन और जल्दी के साथ में ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई भाई इसके अलावा अपने ठंडेपन का, ये जो बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, वो अगर नुस्खा मंगाना चाहते हैं, ये दिन के अंदर ढीलापन, सुकड़न, नामर्दगी, या जिनका लिंग छोटा हो चुका है, ये जिन्होंने हस्तमैथुन बहुत किया है, तो गारंटी के साथ में आपको दवा मिलेगी, आपको बेहतरीन रिजल्ट भी देगी। गारंटी उसकी ये है कि 5-6 दिन में दवा आपके ऊपर काम करेगी। और दवा 3000 रुपये की है, 40 दिन की दवा मिलेगी आपको, और बेहतरीन उसका रिजल्ट गारंटी के साथ में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भाई मंगाना चाहते हैं, व्हाट्सअप पर अपनी उम्र लिखें, पूरी परेशानी लिखने, दवा को ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पर दवा पहुंचा दी जाएगी। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। अगर चैनल पर नहीं आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।